आइए मैम, आप भी आइए साथ में। हाँ जी, आइए। सुनते भाई, हाथ नीचे लो ना आपका। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, तो मेरा नाम रोहित राजावत है और मैं निशाचर में बछरू का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बछरू जो एक कैब ड्राइवर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही संकुचित है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। निशाचर, थोड़ा सा निशाचर के बारे में भी बताना चाहूँगा। निशाचर का मतलब होता है, जैसा कि आप सब लोग जान रहे होंगे, रात में घूमने वाले, विचरण करने वाले लोगों को निशाचर बोलते हैं। इज इट? रात में घूमने वालों को निशाचर बोलते हैं। तो हमारी कहानी कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है जो कि आधी रात के दरमियान घटती है। उसमें कई स्कैम्स हैं, कई ट्रैप्स हैं, कई लोग फंसते हैं, कई लोगों पे शक की सुई है। सो इट इज़ ऑल अबाउट निशाचर, विच हैज़ रिलीज्ड ऑन जंपप्लेक्स एंड स्ट्रीमिंग राइट नाउ। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग जंपप्लेक्स इंस्टॉल करें, निशाचर को भरपूर प्यार दें। यस, राइट राइट राइट। इसके बारे में बात करना चाहूँगा। दिस इज़ माई डेब्यू ऑन OTT और अभी तक OTT प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करके मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। कोई बाउंडेशन नहीं थी OTT प्लेटफॉर्म में। फर्स्टली क्या है, एक आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिलना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। मैंने जब इस सीरीज़ में काम किया तो मुझे मतलब बहुत फ्री होकर के मैंने काम किया, मैंने एक्सपोज किया पूरे उस कैरेक्टर को, इन्जॉय किया ऑल ओवर द सीरीज। मैंने इसको ज़िंदा रखने की कोशिश की पूरी तरीके से, जो कि लोग देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं मुझे। इंडिविजुअली भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि यू हैव डन अ गुड जॉब, यू आर इन राइट वे, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैम, आप अपने इंट्रोडक्शन में जो जाना चाहते हैं, क्या रोल प्ले कर रही हैं और कितने सेकंड्स से रोल के लिए? हाय, मेरा नाम प्रियंका सचान है और मैं इस सीरीज़ में छवि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और जैसा कि मतलब मेरा जो इसमें कैरेक्टर है रियल लाइफ में और ऑन स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दूसरे से मैच करता है। मैं जैसे रियल लाइफ में भी अपने फ्रेंड्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव हूँ और बहुत कंसर्न हूँ, वैसे ही मेरा कैरेक्टर भी कुछ इसमें भी ऐसा ही है, जो अपने फ्रेंड्स को हमेशा प्रोटेक्ट करती है और चाहती है वो बुरी चीज़ों से बचे, उन पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। सो माय नेम इज़ सोनाली राठौर एंड माय कैरेक्टर नेम इज़ रितु, जो कि एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और लॉयल गर्ल है और बदले में अपने पार्टनर से भी वो लॉयल्टी ही एक्सपेक्ट करती है और जब उसे नहीं मिलती है वो लॉयल्टी तो फिर रिवेंज सामने आता है। सो बाकी का तो सीरीज में देखने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या है। लेकिन सर, ये भी कहना चाहूँगा, प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं कुत्ते के और आपको पता है कि लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं स्टार्स ड्रिवन है और मतलब जो बड़े प्लेटफॉर्म है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या कितना चैलेंजिंग हो जाएगा ये प्रोजेक्ट आपके लिए? ये प्रोजेक्ट हमारे लिए जितना चैलेंजिंग होना था उतना हो चुका है और अभी आप सबके सामने है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग देखें, प्यार दें। और अगर आपने सुपरस्टार्स की बात की तो मैं बोलूँगा कि हम लोग तो नए हैं, किसी भी एक्टर की तुलना उसके काम से होनी चाहिए, देन आफ्टर उसको आप लोग प्यार देते हैं, सराहते हैं तो वो सुपरस्टार बन जाता है। और निशाचर में हमने ऐसा ही काम किया है जैसे मतलब लोग सराहें, प्यार दें। दो 2011-12 से मैं एक्टिव हूँ इंडियन सिनेमा टेलीविज़न इंडस्ट्री में। 2012 में मैंने एक फ़िल्म की थी, हिंदी फिल्म, जिसका नाम था प्यार में ऐसा होता है, जिसको मतलब दैट वाज नॉट एज सच गुड फिल्म कि मैं बोल सकूँ। मैंने फिर एक गैप लिया बिकॉज़ जो मेरी पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्टिस्टिक छोड़ करके थोड़ा सा ग्लैमराइज होती जा रही थी, तो मैंने अपने आप को वहाँ से खींचा। देन आई फोर्स माई सेल्फ इन टू एक्टिंग माई क्राफ्ट।
मुझे इसमें मज़ा आने लगा. आई पुल ऑल ऑफ माई एनर्जी देयर. तो दैट वॉज फैंटास्टिंग फैंटास्टिक. और अभी मैं उसको बहुत इन्जॉय करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जैसे मेरा जो कैरेक्टर है इसमें मेरी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है. दैट इज़ माई ऑफ सेंटर कैरेक्टर आई एम प्लेइंग देयर. तो पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे. बट वो जो कैरेक्टर है वो बहुत प्रतिबंधित है. मतलब वो ज़्यादा बात भी नहीं करता किसी से. तो इस तरह के चरित्र मुझे प्ले करने में मज़ा आती है. और दिस इज आई एम ऑल अबाउट. हाँ, मैं 2014 में मुंबई आई थी और उसके बाद भी मैंने सीरियल्स किए और काफ़ी छोटे छोटे शोज़ किए और एक फिल्म भी की थी 9 o'clock एज अ लीड, जो ज़्यादा तो मतलब कुछ खास नहीं काम कर पाई. बट इसके अलावा मैंने मुजफ्फर अली जी के साथ भी काम किया उनकी जानिसार फिल्म में. और बस ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं. मेरा एक्टिंग में तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है और मैं पहले मॉडलिंग करती थी. प्रिंट शूट्स किए हैं मैंने बस. थैंक यू वेरी मच. मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ. सो इस निशाचर में जुड़ने का मेरा बहुत ही ट्रेजेडिक मैं बोलूँगा, क्योंकि जब इस कास्ट हो रही थी तो उस टाइम मैं लखनऊ में था. तो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ऐसा ऑनलाइन फोटोज़ एंड लिंक मांगा, ऑडिशन लिंक लिया तो थोड़ा कुछ पसंद आया. तो फिर मुझे ऑन सेट जब टीम लखनऊ आई तो लखनऊ में मुझे बुलाया. सो फिर रोहित जी ने एंड हमारे डायरेक्टर जी ने रोल ओके किया. एंड अजीत जी थे जो हमारे राइटर हैं और साथ में को स्टार थे. सो इनको काफ़ी अच्छा लगा तो फिर इन्होंने मुझे इस टीम के साथ शामिल किया. वैसे बात जी, नमस्कार, मेरा नाम अजीत गोस्वामी है और मैं एज अ राइटर एंड एज अ मेन एंटागोनिस्ट इस करेक्टर प्ले कर रहा हूँ इस सीरीज़ में. और एज अ राइटर ये मेरा दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट है. एज एन एक्टर मैं पिछले 11-12 सालों से काम कर रहा हूँ. मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ और मैंने डेली शॉप्स, शॉर्ट फिल्म्स, फेस्टिवल मूवीज़ और इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं. अभी तक फाइनली मेरा डेब्यू है अपना डिजिटल में, सीरीज़ में मेरा डेब्यू है. ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है और हमने थोड़े थोड़े सारे पार्ट, सारे एंगल्स इसमें रखे हैं. बट ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो इंस्पायर्ड है एक अमेरिकन मूवी है टैक्सी ड्राइवर. उस फिल्म से हम इंस्पायर्ड हुए. बाकी कुछ रियलिटी है, कुछ रील है, कुछ सिनेमैटिक पंचेज हैं, सब मिक्स करके हमने इसको बनाया है. And you can say this is the new age of suspense drama in Indian cinema. We can say Robert De Niro का taxi driver, उससे हम inspired हुए. और दूसरी एक घटना घटी एक taxi driver से related दिल्ली में. तो don't judge the book by his cover का जो theory है उसको हमने ध्यान पे रख के और taxi driver से inspired होके हमने ये create किया. टैक्सी ड्राइवर आप कह सकते हैं हीरो है, कोई कहेगा विलन है, ये परसेप्शन पे, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. वही निशाचर जो मारता रहे ये तो आपको ये आपको सीरीज देखने के बाद ही फिर आपको ज़्यादा आप जज करेंगे कि ये हीरो है या विलन है या विलन हीरो है या हीरो विलन है. क्योंकि हम सब हीरो विलन सब कुछ हमारे अंदर ही है. जी, मेरा किरदार, मेरा नाम कबीर है. मैं निशाचर में कबीर नाम से प्ले कर रहा हूँ. एंड इट्स लाइक ये एक कैसनोवा टाइप का बंदा है. लाइक पार्टी लविंग है और पार्टीज में घूमना, चिल करना और अपने दोस्तों के साथ और उनके लाइक कहते हैं ना कि उनके पैसों पे घूमना फिरना, ऐसा एक कैरेक्टर है. हर टाइम घूमता है, एक बार फंस गया इस बार. थैंक्स सर. थैंक्स.